तो दोस्तों जब हम टैबलेट मार्केट की बात करते हैं तो प्रीमियम टैबलेट्स जैसे कि आईपैड या फिर सैमसंग का टैबलेट हमारे ध्यान में आता है। वो सिर्फ एक मल्टीमीडिया एक बॉक्स की तरह ही नहीं बट आपको एक ऑफिस का अल्टरनेटिव यूसेज के टाइम भी वो काम आते हैं। लेकिन क्या वन प्लस पैड के लॉन्च के बाद ये प्रीमियम टैबलेट के सेगमेंट में एक और टैबलेट ऐड हुआ है? कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, कैसा इसका ओवरऑल डिज़ाइन है, क्या इसकी यूजेबिलिटी है और क्या ये लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन हैंड फील ओवरऑल डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिजाइन इज समथिंग वन प्लस अपनी डिवाइसेस में कमी नहीं रखता, स्पेशली प्रीमियम डिवाइसेस में, और वही प्रीमियम फील ये टैबलेट भी देता है। पूरा बैक पैनल एक सिंगल एल्यूमिनियम स्लैब से बना हुआ है, कोई गैप नहीं है, तीनों साइड्स बिल्कुल कर्व्ड हैं और एक साइड का सेंटर सेक्शन बिल्कुल फ्लैट है जिससे कि आप इनका स्टाइलस यूज कर पाए। वन प्लस इसको वन प्लस स्टाइलो बुला रहा है और ये चीज हमारे पास है, इसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। वैसे इसका डिजाइन जो है बिल्कुल पेन की तरह है और एग्जैक्टली आपको वही फील देता है। ठीक जहां पर पेन लगता है और उसके नीचे आपको कैमरा दिया गया है जिसकी पोजीशन काफी सही है। बाकी अगर फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें, कुछ इस तरीके की आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आप सामने वाले से वीडियो कॉल में ऐसे बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सामने वाले को भी वीडियो क्वालिटी दिखाई और सुनाई देगी। और उसके अदर साइड पे आपको एक्सेसरी कनेक्टिंग पिंस मिलते हैं जिससे कि आप फोलियो कीबोर्ड वगैरह अटैच कर पाए। वैसे कीबोर्ड भी है हमारे पास, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ये दोनों चीजें अलग से आपको खरीदनी पड़ेंगी, टैब के साथ ये नहीं आता है। देखो 11.61 इंच का डिस्प्ले है तो टैबलेट का साइज और वजन दोनों ही उतना ही बड़ा है। करीब 550 ग्राम के आसपास इसका आपको वेट मिल जाएगा। बेजल्स थैंक गॉड ज्यादा पतले नहीं दिए गए हैं, ऑल अराउंड आपको एक जैसे मिलते हैं जिसकी वजह से इसको होल्ड करना आसान है काफी, और एक्सीडेंटल टचेस भी नहीं होते हैं। यहाँ पर मुझे एक कमी महसूस हुई, यहाँ पर आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, एमोलेड नहीं है तो इन डिस्प्ले नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपको अगर अनलॉक करना है तो आपको या तो फेस अनलॉक करना पड़ेगा या फिर आपको स्क्रीन अनलॉक यानी कि पैटर्न या फिर लॉक स्क्रीन से आपको इस डिवाइस को अनलॉक करना पड़ेगा। और जो उसका फेस अनलॉक है वो थोड़ा मुझे फिनिकी लगा, यानी कि लो लाइट में उतने बढ़िया से वो काम नहीं करता, थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। यहाँ पर आपको लाइट थोड़ी सी चाहिए होती है, लेकिन उसके अलावा स्क्रीन अनलॉक अगर आप करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह कुछ होता तो ज्यादा बेटर रहता। बाकी डिस्प्ले आपको काफी सही मिल जाएगी। अब देखो एमोलेड तो नहीं है बट होता तो बेटर रहता, लेकिन जो इसमें 10-bit LCD स्क्रीन है मुझे इसमें बिल्कुल भी शिकायत नहीं हुई। कलर्स ऑन पॉइंट है, बढ़िया व्यूइंग एंगल्स के साथ काफी ब्राइट भी लगती है। अब 500 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस मिल जाती है जिससे कि आपको आउटडोर विजिबिलिटी ठीक ठाक मिलती है। हाँ डायरेक्ट सनलाइट के नीचे अगर आप स्माल करते हैं तो थोड़ी सी कमी वहां पर महसूस होगी, लेकिन उसके अलावा जो स्क्रीन ब्राइटनेस है आपको वहां पर शिकायत नहीं आएगी। इसका स्क्रीन रेशियो थोड़ा अलग है 7:5 का, जिससे आर्टिकल रीडिंग एक्चुअली काफी सही लगती है, यानी कि अगर आप रीडिंग वगैरह करते हैं तो वो आपको बेटर लगेगी। बाकी डिस्प्ले काफी स्मूथ है, 144 हर्ट्ज की ऑप्टिमाइजेशन मुझे काफी ठीक लगी, बट कुछ एप्स में जैसे कि YouTube हो गया या फिर कुछ और गेम्स हो गए वहां पर 60 हर्ट्ज पे ही कैप्ड है, विच इज रियली वियर्ड। इवन स्केचबुक ऐप जो है वो भी 60 हर्ट्ज पे है, जबकि 144 हर्ट्ज की एडवांटेज से एक्सपीरियंस और बढ़िया हो सकता था। बाकी नेटफ्लिक्स वगैरह में आपको 90-120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिल जाता है, बाकी आपको जहां पर एक्चुअली हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत चाहिए वहां पर नहीं मिल रही है। नेटफ्लिक्स वगैरह में आपको अच्छी खासी रिफ्रेश रेट मिल जाती है अगर आप स्क्रॉल वगैरह करते हैं नेटफ्लिक्स में, तो वैसे नेटफ्लिक्स में स्क्रॉल कौन करता है, मूवीज ही देखते हैं, तो 60 हर्ट्ज इनफ होता है। बाकी अगर आपको बहुत मैटर नहीं करता इसका हाई रिफ्रेश रेट तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। उसके अलावा नॉर्मल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अगर आप स्टैप से करते हैं, क्वाड स्पीकर का जो आउटपुट है डॉल्बी एटमॉस का उसमें सपोर्ट मिलता है, उसके कारण आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है इस टैबलेट से। तो बात करें इस टैबलेट के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर जो मीडियाटेक डेमोंस्ट्रेटी 9000 SoC है आपको कहीं कमी महसूस नहीं होने देता है। चाहे आप मल्टीपल एप्स खोल लीजिए, गेमिंग वगैरह भी करते हैं तो आपको हाईएस्ट सेटिंग्स मिल जाती है, आप आराम से इसमें गेमिंग भी कर सकते हैं। एसफॉल्ट 9 वगैरह आप खेलते हैं तो आपको बढ़िया इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है इसके स्पीकर्स के साथ, ओवरऑल आपको वहां पर भी दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीमीडिया कंजम्पशन के हिसाब से अगर आप इस टैबलेट को देखते हैं तो उसमें तो देखो कोई दो राय नहीं है, बढ़िया कलर्स आपको मिल जाते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह आप आराम से चला सकते हैं वाइड 1L1 में। लेकिन नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप YouTube वगैरह में HDR वीडियोस देख रहे हैं तो वहां पर आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा। मल्टीटास्किंग काफी सही से हो जाती है इसके स्प्लिट स्क्रीन के साथ, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर की और बात करें तो यहां पे कुछ अननेसेसरी चीजें हैं जैसे कि सिम कार्ड का ऑप्शन
हटाना भूल गया OnePlus, साथ ही मोबाइल डेटा का ऑप्शन आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन बार में। और मल्टीटास्किंग के लिए जो बाकी टैबलेट्स में आपको मेनू नीचे की तरफ मिलता है, यहाँ पर आपको साइड बार में मेनू स्लाइड करके लाना पड़ेगा जिससे आप ऐप खोल पाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको OnePlus के इकोसिस्टम का एडवांटेज भी मिलता है। अगर आपके पास OnePlus का फोन है, आप इसको अटैच कर सकते हैं, यानी कि वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन के साथ, जिसके थ्रू आप कोई मैसेजेस आपके नोटिफिकेशन वगैरह फोन पे आ रहे हैं वो भी आप देख पाएंगे अपने टैबलेट में, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। एंड नाउ बात कर लेते हैं इनकी एक्सेसरीज के बारे में। यहाँ पर आपको ये जो डिवाइसेस है अलग से लेना पड़ेगा एक्सेसरीज। एक्चुअली यहाँ पर आपको जो कीबोर्ड है वो करीब 8,000 रुपया खरीदना पड़ेगा, और जो पेन है वो आता है करीब 5,000 रुपये का। जो पेन है वो जो काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कीबोर्ड है इस टैबलेट के साथ मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, और यहाँ पर अटैच करना काफी सिंपल है। यहाँ पर आपको सेक्शन मिल जाएगा, और ये अटैच होने के बाद एक परफेक्ट एक ये कहते हैं ना कि लैपटॉप जैसा बन जाता है। जो कीबोर्ड का जो सेक्शन है वो काफ़ी वाइड मिलता है, जो सेपरेशन है बटन्स के बिटवीन, यानी कि कीपैड के कीज़ के बिटवीन, वो काफ़ी आपको सफिशिएंट मिलता है, और जो क्लिकी बटन्स जो होते हैं ना वो मिल जाते हैं। की ट्रैवल काफ़ी अच्छा है, और साथ ही एक और चेरी ऑन टॉप, यहाँ पर आपको जेस्चर नेविगेशन के लिए एक ट्रैक पैड मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। उसमें आपको जेस्चर असाइन किया गया है, अब आराम से जेस्चर के थ्रू उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, जेस्चर बहुत 99% ऑफ टाइम अच्छे से काम करता है, लेकिन कहीं कहीं आपको थोड़ा सा वो फिनिकी सा लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो कीबोर्ड है वो सही से काम करता है। यहाँ पर जो मैग्नेट्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जल्दी से वॉबल भी नहीं करता। अगर आप थोड़े लैप में रखते हैं तो थोड़ा सा आपको अनबैलेंस लगेगा, लेकिन आप डेस्कटॉप पे रखते हैं या डेस्क के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ बात करते हैं बेस्ट पार्ट इसके स्टाइलो पेन की, स्टाइलस बोलते हैं यहाँ पर, OnePlus थोड़ा डिफरेंस रखने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपको OnePlus स्टाइलो बुला रहा है इसको, स्टाइलो पेन की। पेन काफ़ी बढ़िया है, पूरे फुल साइज एक पेंसिल जो होता है उसके साइज का आपको मिल जाएगा। इस पेन का जो टिप है वो प्रेशर सेंसिटिव है अप टू 4000, मोर देन 4000 लेवल्स, यानी कि अगर आप इस पे, सबसे पहली चीज पाम रिजेक्शन इस टैबलेट में मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, पाम इसमें रजिस्टर नहीं करता जब आप इस पे कुछ भी लिख रहे हो या फिर स्केच कर रहे हो, और जब आप प्रेशराइज अलग अलग डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से जो शेड्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। स्केचबुक ऐप का इस्तेमाल किया मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ ड्राइंग वगैरह नहीं करता, बहुत ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जो कुछ भी मैंने ड्राइंग की उसमें जो एक्सपीरियंस रहा वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। लैग बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 मिलीसेकंड्स के आसपास आपको जो पेन का लैग है वो मिलता है, जो कि आपको ठीक ठाक जो एक्सपीरियंस है वो देता है। मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है इसके साथ, और चार्ज भी हो जाता है, चार्जिंग का नोटिफिकेशन भी आराम से इसमें आ जाता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं और टैबलेट में आपको स्केच वगैरह करना है तो इस पेन को लेना ज़रूर बनता है। नाउ बात रही बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर इस टैबलेट में जो बैटरी मिलती है आपको करीब 9,510 mAh की, वो आराम से 2 दिन चलती है नॉर्मल यूसेज में। अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा कम चले, लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ना सिर्फ बैटरी बैकअप, यहाँ पर जो चार्जिंग स्पीड है उसमें भी कोई कमी नहीं लगेगी आपको। 67 वॉट्स का आपको जो चार्जर मिलता है, इस टैबलेट को आराम से 1.5 घंटे 1.25 घंटे के अंदर अंदर चार्ज कर देता है, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। यानी कि कई टैबलेट होता है ना, बैटरी तो बढ़िया मिल जाती है लेकिन जो बैटरी चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी स्लो मिलती है ज़्यादातर टैबलेट्स में, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ आपको बिल्कुल ही महसूस नहीं होगी, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, और साथ ही बैटरी बैकअप के मामले में कमी नहीं लगेगी। एंड नाउ फाइनली वर्डिक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि क्या ये लैपटॉप रिप्लेसमेंट है। देखो, लैपटॉप रिप्लेसमेंट टैबलेट आज के टाइम में मैं फुल फ्लेज नहीं कह सकता, ये आपके बिल्कुल यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका यूसेज सिर्फ ब्राउज़र से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह करते हैं, साथ ही ब्राउज़र में ही आपका काम हो जाता है, ईमेल वगैरह करना है या फिर नॉर्मल ब्राउजिंग में ही कुछ आपको शीट्स वगैरह भरनी है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका यूसेज थोड़ा हैवी है, डिज़ाइनिंग वगैरह करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, यानी कि प्रीमियर प्रो का इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ आप देखो ऑब्वियसली टैबलेट पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन फाइनली अगर बात करें कि इस प्राइस में करीब 38,000 से 40,000 रुपये का आपको ये टैबलेट मिल जाता है, इस प्राइस में आपको क्या ये टैबलेट लेना चाहिए? देखो, एंड्रॉयड टैबलेट के हिसाब से ये टैबलेट आपको इस प्राइस में काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया देता है। बढ़िया डिज़ाइन, एक काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले, स्टाइलिश के साथ आपको बढ़िया एक्सपीरियंस, स्केच वगैरह करना है, वो सब ये टैबलेट आपको भरपूर देता है। और अगर आपको देखो किसी और सेगमेंट में जाना है, किसी और इकोसिस्टम में जाना है, तो ऑल टुगेदर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। इस प्राइस में आपको आईपैड भी मिल जाता है, थोड़े पैसे और डालने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप वो लेते हैं तो उसकी एक्सेसरीज अगर आप लेने जा रहे हैं तो वो थोड़ी और कॉस्टली आती है, लेकिन एक एंड्रॉयड टैबलेट के हिसाब से ये काफ़ी प्रीमियम टैबलेट है और आराम से इस प्राइस में आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ हमसे छूट गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछना, हम रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।